आज हम लोग हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स ये वाला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स होता क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है वो सब एल्केन होता है। इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मीथेन को कंसिडर कर सकते हैं, CH4। इसके बारे में हम लोग क्लास 10 से ही जानते हैं। अगर मीथेन का कोई भी एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग एक हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो वाला कंपाउंड देखने में कैसा होगा, CH3 तो रह ही जाएगा, H की जगह में सिर्फ X चला आएगा। इस जैसे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन। सिमिलरली दूसरा कोई भी हम लोग एल्केन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इथेन ले सकते हैं, प्रोपेन ले सकते हैं। उसका भी अगर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को अगर हम लोग हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वही होगा हेलो एल्केन, ठीक है। ऐसे हम लोग एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है बेंजीन। बेंजीन मतलब क्या होता है, C6H6। तो C6H6 का जो 6 हाइड्रोजेंस है, ये 6 हाइड्रोजेंस में कोई भी अगर एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग एक हैलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो देखने में कुछ इस जैसा होगा, जिसका फॉर्मूला होगा C6H5 ||X, ठीक है। इस जैसे कंपाउंड को देखो, यहाँ पे H की जगह में X चला है। इस जैसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, हेलो एडिनेस, ठीक है। तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन पोर्शन। अब जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। क्लासिफिकेशन जो है, फर्स्ट हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। ये देखो, अगर हम लोग देखते हैं कोई भी अगर एक कंपाउंड जैसे इसको ही लेते हैं CH3X, इसमें एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। ऐसे अगर कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड में अगर एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एडिनेस, ठीक है। देखो अगर ऐसे एक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एडिनेस, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि अगर हम लोग ऐसे कंपाउंड को कंसिडर करते हैं जिसमें दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है पर मॉलिक्यूल, तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। अगर कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड में दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा डाई हेलो एडिन, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा एक कंपाउंड अगर हम लोग लेते हैं जिसमें पर मॉलिक्यूल तीनों हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड में तीनों हैलोजन एटम्स प्रेजेंट रहे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राई हेलो
एरेनेस, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है। जो कंपाउंड में sp3 कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन एटम हैलोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। सपोज अगर हम लोग ऐसा एक कार्बन एटम लेते हैं, जो कार्बन एटम क्या है, सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोला जाता है प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो ये सबको सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड, इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले बोल देते हैं इसको जो जनरल फॉर्म है इसको अल्काइल हैलाइड्स बोला जाता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स जो होता है वो तीन तरह का होता है कार्बन, ठीक है। देखो ये वाला जो हैलोजन एटम है ये sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये sp3 कार्बन जो है ये sp3 कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो इस जैसे अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। सिमिलरली देखो ये भी एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें जो कार्बन एटम है, जो कार्बन एटम हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये वाला कार्बन जो है ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। 2 डिग्री जो कार्बन है इस जैसे अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तीसरा तरह का जो अल्काइल हैलाइड है उसमें जो कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या रहता है, तीनों अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इस जैसा 3 डिग्री कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड है, क्या बोला जाता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स बोला जाता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टाइप जो है CH3X बॉन्ड कंटेनिंग वाला है, वो वाला क्या है, बेंजाइलिक सॉरी एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। देखो बच्चों एलाइल जो है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो ग्रुप है इसको बोला जाता है एलाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला एलाइल ग्रुप अगर ऐसा होता है तो ये हैलोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक एलाइल बोलेंगे, ठीक है। देखो अगर हम लोग ये वाला कंपाउंड को कंसिडर करें, इसमें भी इस जैसा ही है स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद जो कार्बन है ये वाला sp3 कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी एक तरह का अल्काइल एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। ये वाला भी क्या है, एक एलाइलिक हैलाइड है। अब थर्ड वाला जो है वो वाला क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड जो है उसमें क्या होता है, हैलोजन एटम बेंजाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये वाला ग्रुप को बोला जाता है बेंजाइल ग्रुप, ये ग्रुप को बोला जाता है बेंजाइल ग्रुप। तो अगर बेंजाइल ग्रुप अगर क्या होता है, हैलोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन बॉन्ड, मतलब sp2 कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन रहता है, ऐसा कंपाउंड्स को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका दो टाइप्स क्या है, एक है विनाइलिक हैलाइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक एलाइड,
क्यों फिनाइल निकल है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है इसको बोला जाता है विनाइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप क्या बोला जाता है विनाइल ग्रुप, ठीक है। तो विनाइल ग्रुप अगर हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। सेकेंड जो टाइप होता है वो क्या होता है, अगर कोई भी हैलोजन आइटम एक एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये वाला कार्बन ये देखो sp2 कार्बन है ना, तो इस जैसा ग्रुप को, ये वाला ग्रुप को क्या बोला जाता है, हैलाइड ग्रुप बोला जाता है। इसीलिए ये वाला एल्काइल, ये वाला जो है हैलाइड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलाइड हैलाइड, ठीक है। तो बच्चों ये सारे आप लोगों को आज देख लेना है, ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी बुक से इसको पढ़ सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।